हेलो दोस्तों, मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी सुविधा केंद्र कैसे खोले और इससे पैसे कैसे कमाए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। दोस्तों, जीएसटी सुविधा केंद्र एक ऐसा सेंटर है जहां जीएसटी से संबंधित अनेक सुविधाएं ग्राहकों को दी जाती है। छोटे कारोबारियों या फिर व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने में होने वाली दिक्कतों और परेशानियों को देखते हुए भारत सरकार के प्रयासों से देश भर में अब फ्रेंचाइजी मॉडल के माध्यम से जीएसटी सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं और आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजी कोई भी व्यक्तिगत व्यक्ति किसी ऐसी निजी कंपनी से ले सकता है जो लाइसेंस प्राप्त जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर हो। इस प्रकार के केंद्रों को खुलने की मंजूरी देने के पीछे सरकार का लक्ष्य मौजूदा छोटे व्यापारियों को जीएसटी से संबंधित सुविधाएं और बेहद कम लागत में युवाओं को अपना जीएसटी सुविधा केंद्र खोलकर बिजनेस करने का मौका देने का होता है। छोटे व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न फाइल करने में बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कारोबारियों की इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क यानी कि जीएसटीएन ने निजी कंपनियों को जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के लाइसेंस दिए हुए हैं ताकि वे देश भर में अपने जीएसटी सुविधा केंद्र खोल सके। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि जीएसटी सुविधा केंद्र क्या है। दोस्तों, जीएसटी सुविधा केंद्र लाइसेंस प्राप्त जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर द्वारा स्वीकृत किया हुआ एक जीएसटी फैसिलिटेशन सेंटर होता है। इन्हें खोलने का मकसद छोटे या बड़े कारोबारियों को जीएसटी संबंधित फैसिलिटी समय और किफ़ायती दरों में उपलब्ध कराने का होता है। टैक्स भरने वाले करदाता भी इनके फायदे लेकर जीएसटी नियमों का आसानी से अनुपालन कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि अगर आप जीएसटी सुविधा केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप अलग अलग जीएसपी द्वारा जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, ये बात आप ध्यान रखिए। सबकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है। जैसे कि जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा यानी कि आप कॉलेज पास होने चाहिए। उसके बाद आवेदक को अकाउंटिंग की बेसिक जानकारी होनी चाहिए यानी कि आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए अगर आप जीएसटी सुविधा केंद्र खोल रहे हैं, या फिर इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके बाद आवेदक के पास कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए। आवेदक किसी दो व्यक्तियों जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर और अकाउंटेंट को रोजगार देने में सक्षम होना चाहिए, इतना होना चाहिए। उसके बाद जीएसटी सुविधा केंद्र अप्लाई करने वाले व्यक्ति के पास कम से कम 2 कंप्यूटर और 1 प्रिंटर साथ ही इंटरनेट कनेक्शन और मोफो डिवाइस होने चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जीएसटी सुविधा केंद्र खोलने के फायदे क्या क्या है। दोस्तों, इसमें आवेदक अपने नगर या शहर में ये बिजनेस शुरू कर सकता है जिससे उसे रोजगार के लिए परिवार से दूर रहने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि आप इसे अपने गांव या शहर में शुरू कर सकते हैं। इसे बेहद ही कम निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, इसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं पड़ता और इस व्यक्ति में बिजनेसमैन की मदद कर रहा होता है यानी कि व्यक्ति इसमें बिजनेसमैन की मदद करता है, इसलिए अच्छी सर्विस देने पर आपकी कमाई के अवसर और भी बढ़ सकते हैं। साथ ही जीएसटी सुविधा केंद्र खोलकर आप कितने भी लोगों का जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिटर्न फाइल कर सकते हैं यानी कि अगर किसी को जीएसटी नंबर की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे जीएसटी नंबर निकाल के दे सकते हैं। साथ ही जीएसटी रिटर्न फाइल या अगर उनको टैक्स फाइल करना है जीएसटी में तो वो भी आप कर सकते हैं, जिनके बदले में आप उनसे पैसे ले सकते हैं। दोस्तों, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर द्वारा सेल्स सपोर्ट भी प्रदान किया जाता है और जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर के द्वारा ही अपना सॉफ्टवेयर भी प्रदान किया जाता है जिसमें आप काम कर सके। साथ ही जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर द्वारा जीएसटी सुविधा केंद्र संचालक को प्रशिक्षण भी दिया जाता है यानी कि उसे समझाया भी जाता है। तो ये थे इसके फायदे। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि कितनी कमाई हो सकती है अगर आप जीएसटी सुविधा केंद्र खोलते हो। तो दोस्तों, जीएसटी सुविधा केंद्र खोलकर आप जीएसटी से जुड़ी सभी प्रकार की सेवाएं जैसे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप लोगों को जीएसटी नंबर दिला सकते हो, साथ ही आप जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर किसी को अपना टैक्स भरना है तो वो रिटर्न फाइलिंग आप कर सकते हो। साथ ही डिजिटल सिग्नेचर बनाने का काम भी आप इसमें कर सकते हो और अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का काम भी आप इसमें साथ में शुरू कर सकते हो।
लेकिन कुछ GSP द्वारा बिजली का बिल भुगतान करना या फिर पैन कार्ड बनाने का काम या फिर DTH का रिचार्ज करना, जो हमारे DTH कनेक्शन होता है उसका रिचार्ज करने का काम भी साथ में हो जाता है। और यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज करने की सुविधा भी दी जा सकती है। इसके अलावा भी GST सुविधा केंद्र से ट्रेन टिकट बुकिंग और एयर टिकट बुकिंग यानी कि प्लेन की टिकट और ट्रेन की टिकट, साथ में बिल पेमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सुविधा को भी जोड़ा जाएगा। जहाँ तक कमाई का सवाल है तो वो GSP द्वारा दिए जाने वाले कमीशन और होने वाली बिक्री पर निर्भर होता है कि आप कितना कमाओगे। कुछ कंपनियों द्वारा कुछ सर्विसेज पर 40% तक की कमीशन दी जाती है। GST सुविधा केंद्र खोलने वाले को ऑफर किया जाता है 40% तक, ये हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि GST सुविधा केंद्र खोलने के लिए आप अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों GST सुविधा केंद्र खोलने के लिए आवेदन करना बेहद ही सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता है। इसके लिए आपको GSPS की वेबसाइट पर जाना होता है और दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको अप्लाई करना होता है। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बात का ध्यान आप लोग हमेशा रखें कि कहीं आप किसी फ्रॉड का शिकार तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ऐसी योजनाएं या GST सुविधा केंद्र खुलवाने के नाम पर बहुत सारी ठगी भी होती है। तो इस ठगी से बचने के लिए आप केवल उन्हीं कंपनियों की फ्रेंचाइजी ले और उन्हीं के लिए अप्लाई करें जिन्हें GSTN ने प्राधिकृत किया हुआ है, जिन्हें लाइसेंस दिया गया है। हालांकि कुछ कंपनियां इनकी पार्टनर कंपनी भी हो सकती है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो ऑफर देने वाली कंपनी के बारे में अच्छी तरह से जांच परख कर ले। इनमें से कुछ पंजीकृत यानी कि GSPS के बारे में मैं आपको बताता हूँ जहाँ आप अप्लाई कर सकोगे। तो दोस्तों इसमें एक कंपनी है मास्टर GST, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो और इनकी फ्रेंचाइजी ले सकते हो। उसके बाद बोटरी सॉफ्टवेयर नाम की भी एक कंपनी है जिनको भी लाइसेंस मिला हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर भी फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकोगे। और मास्टर इंडिया भी एक है। उसके बाद वेब डिजिटल सर्विसेज, यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हो। इनके बारे में आप ज़्यादा जानकारी के लिए गूगल में सर्च कर सकते हैं। गूगल में आप इन कंपनियों के नाम लिखें और आप वहाँ जाकर उनकी वेबसाइट पर पहुँच जाओगे और अप्लाई कर सकते हो। GST सुविधा केंद्र खोलने के लिए आपको अप्लाई इसमें कर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में और भी दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में लगे बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह का प्रश्न पूछने के लिए नीचे कमेंट करें।